हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष राठौर, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। दोस्तों, 1018 के ऊपर मैंने पिछली वीडियो बनाई है, आपने वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है और आप लोग, मैं जानता हूँ कि जानना चाहेंगे कि 1018 का आखिर अभी अपडेट क्या है। सो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं अपडेट ले आया हूँ 1018 का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि 18 नवंबर के आसपास 1018 का ट्रायल शुरू हो चुका था मुरादाबाद डिवीजन में, उस मुरादाबाद डिवीजन के अंदर 1018 का जो ट्रायल हुआ वो सफल रहा या नहीं, वही मैं बताऊंगा आपको। सो दोस्तों, RDSO रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत इस 1018 का ट्रायल किया जा रहा है, जिसके इंजीनियर इस 1018 की हर परफॉर्मेंस की जांच कर रहे हैं, उन्होंने बता दिया है कि 1018 का सक्सेसफुल रहा पहला ट्रायल रन मुरादाबाद में, जो उसका चला करीब एक हफ्ते। ये ट्रायल चला है अप्रॉक्स, और उन्होंने मैक्सिमम 115 kmph स्पीड तक इसका ट्रायल लिया और सारे परफॉर्मेंस उसके देख लिए, और इससे खुश होने के बाद अब 1018 को कोटा भेज दिया गया है। ये अभी करंट स्टेटस है और कोटा में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है 160 kmph के लिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MJ खान ने कहा है स्टेटमेंट देते हुए कि 1018 हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स रनिंग एंड परफॉर्मेंस ट्रायल्स अप टू द स्पीड ऑफ 115 kmph ऑन नॉमिनेटेड ट्रैक स्ट्रेचेस इन मुरादाबाद डिवीजन। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि परफॉर्मेंस जो इस ट्रेन का उन्होंने देखा वो बहुत ही अच्छा रहा और सेटिस्फैक्ट्री है, हर मापदंड पे खड़ा उतरा है। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद RDSO ने ये डिसाइड किया है कि कोटा के ट्रायल रन अगर और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे देंगे, और दे भी रहे हैं जैसा कि मैं देख रहा हूँ। सो इतना अच्छा ट्रायल देखने के बाद रेलवे बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि 1018 को अभी आने वाले दिनों में दिसंबर में ही कमर्शियली रन कर दिया जाए। मीन्स अगर कोटा का टेस्ट रन जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा तो परफॉर्मेंस तो ये अच्छी दे रही है, तो दिसंबर 15 के बाद बताया जा रहा है कि 1018 में ही तैयार हो हुई है, तो 18 में ही चलनी चाहिए। तो ऐसा बोर्ड सोच रहा है इस वक्त, यही करंट स्टेटस है कि बोर्ड का ये डिसीजन ले सकता है कि 2018 में ही दिसंबर के अंदर अंदर इस ट्रेन का कमर्शियल रन स्टार्ट कर दिया जाए। और इन्हीं सभी के बीच रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी, उन्होंने यह भी कह दिया है कि 5 more units ट्रेन 18 की प्रोड्यूस्ड होंगी ICF में कैलेंडर ईयर 1920 के बीच, 2019 और 20 के बीच ये 5 रेक तैयार होने हैं। और इसका मतलब कि 1018 से अब बहुत खुश है रेलवे और इसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा अच्छे लगा है रेलवे को। और दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और आप ज़रूर बताइएगा 1018 के बारे में अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो। और मैं बहुत खुश हूँ एक रेल फैन होने के नाते कि 1018 सफल हो रही है और हमारे इंजीनियर्स की मेहनत भी सफल होती दिख रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।